फ्रेंड्स, वेलकम टू नट्स अबाउट वॉलनट्स विद मी शेफ शिप्रा खन्ना एंड कैलिफोर्निया वॉलनट्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नट्स अबाउट वॉलनट्स विद मी शिप्रा खन्ना, जहां पर मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ कैलिफोर्निया वॉलनट्स के साथ मजेदार रेसिपीज विच आर इनोवेटिव एंड वेरी 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 डिलिशियस, एंड ऑफ कोर्स इट बिकम्स मोर न्यूट्रिशियस विद कैलिफोर्निया वॉलनट्स। And I am really crazy about walnuts. So let's see what's my next recipe. The recipe that I'm preparing for you today is walnut naan with paneer achari gravy. Mumh mein paani aa gaya, right? Mere bhi mumh mein paani aa gaya, and I can't wait to share this recipe with you. So sabse pehle hum naan ke liye aata lagayenge. Naan ka aata lagane ke liye hume chahiye 1 cup maida, 1/2 cup dahi, 1 teaspoon of yeast, और उसके बाद हम इसको पानी डाल के ऐसे गूंथ लेंगे until it's smooth. इसको हमें 1 घंटे तक रेस्ट करने देना है और उसके बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा, देखिए। और फिलिंग में जाएंगे of course my yummy-licious California walnuts. इसको हम क्रश कर देते हैं। Walnuts give amazing texture to recipes. और in fact आप इसे करीज में यूज करेंगे तो आपको क्रीम की addition नहीं करनी पड़ेगी, because walnuts make the curry really thick and creamy, which is yummy. Okay. तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ पुदीना, एक freshness आएगी नान के अंदर। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा salt. तो अब हम इसे equal portions में divide करते हैं। हाथ में लगाते हैं थोड़ा सा घी, ताकि जो डो है वो हमारे हाथों पे ना स्टिक करे। इसमें मैं डाल रही हूँ हमारे वॉलनट्स एंड मिंट नट्स। वी जस्ट सील दिस स्मॉल साइड। हम एक तरफ से इसको गीला करेंगे पानी के साथ। अगर आप अवन में डाल रहे हैं तो 180 डिग्रीज पे टॉप रैक पे इसको रखिए। 5 मिनट में ये नान तैयार हो जाएंगे। और अब मैं इसके ऊपर स्टिक करती हूँ ये नाइजेला सीड थोड़े से, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर भी देगा ये। और इसे अब ढक के हम रख देते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। Now guys, let's quickly make the achari gravy. और achari gravy में मैं बना रही हूँ पनीर अचारी। एक पैन में ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे हमें अच्छे से भूनना है। ये पंचफूर्ण मसाला जिसके अंदर है सौंफ, जीरा, राई, मेथी दाना और पलौंगी, चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी टर्मरिक, सॉल्ट, क्विक मिक्स। जब ये भुन जाए अच्छे से, इसके अंदर हम डालेंगे पनीर। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी और साथ ही में थोड़े से वॉलनट्स। इसे हम पकने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। अब पनीर तो गया पकने, ये है हमारे नान। अब नाउ इसे हम ओपन फायर पे भून लेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक नान एट होम विदाउट यूजिंग एन ओवन। जब बिजली नहीं है तब भी आप नान बना सकते हैं। गाइस, माय वॉलनट नान्स आर रेडी एंड आई कांट वेट टू डिग इन, बट बिफोर दैट लेट मी फिनिश दिस। घी लग गया, पनीर भी तैयार है। Wow, look at that. इसके ऊपर मैं डालूंगी फ्रेश कोरिएंडर लीफ। और ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा वॉलनट नान विद पनीर अचारी। एक रेसिपी ऐसी विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग योर फूड इवन मोर हेल्दी विद कैलिफोर्निया वॉलनट, बिकॉज अ हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स आर गुड फॉर एवरीवन। हैप्पी कुकिंग।